नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। प्रदेश में भूजल स्तर लगातार गिर रहा, 74 ब्लॉक डाक जोन में, इसलिए पानी की बूंद बूंद का हिसाब रखने के लिए फैसला। बोरिंग मशीनों और पानी के टैंकरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, निगरानी के लिए GPS लगेगा। 1 से 2 हजार रुपए होगी पंजीकरण फीस, वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी। टैंकर भी धड़ल्ले से पानी की सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे में पंजीकरण और GPS लगने से इन पर पूरी निगरानी रखी जा सकेगी। परिवारवाद और वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा घातक, कांग्रेस का नाम लिए बिना ही मोदी ने कहा कि ऐसी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। जमीन के बदले रेलवे नौकरी, लालू के 16 ठिकानों पर CBI छापे, दिल्ली, पटना और गोपालगंज में हुई कार्रवाई। छापे के दौरान राबड़ी के आवास के बाहर हंगामा। हरियाणा के हिस्से का पानी देने के लिए पंजाब को मनाए दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री। बढ़ते पारे के साथ अब पानी पर सियासत फिर से गर्मा गई है। धरना दे रहे 3 पूर्व विधायकों को युवक ने पुलिस के सामने पिस्तौल दिखा धमकी दी। फरीदाबाद के गदपुरी टोल को हटाने के लिए चल रहा था धरना। सरकार ने नगर निकाय चुनाव के लिए आयोग को लिखा पत्र, 23 मई को हो सकती है घोषणा। गलत धारणा, अधिक कैलोरी खाने से मोटापा बढ़ता है। दुनिया भर में 200 करोड़ व्यसक और 4 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार। प्लास्टिक के केमिकल प्रदूषण से पनप रहा है मोटापे वाला जीन, शरीर में बदलाव कर ज्यादा खाने को मजबूर करता है। एक साल में गेहूं के मूल्य 59% बढ़े, 1.5 अरब लोगों को पेट भर खाना मिलने की संभावना नहीं। यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन के कारण अनाज की पैदावार प्रभावित। क्रिप्टो करेंसी के बाजार मूल्य में 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक गिरावट, सिस्टम की कमजोरी सामने आई। चीन में मकानों की बिक्री 40% घटी, 31 बड़े शहरों में बेरोजगारी बढ़ी। रिटेल कारों की बिक्री और कैटरिंग में भारी गिरावट। कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सरेंडर किया, पटियाला जेल भेजे गए नवजोत सिद्धू। न सुप्रीम कोर्ट में गुहार काम आई, न सेहत का हवाला। बैरक 10 सिद्धू का ठिकाना, बैरक 11 में सिद्धू के कट्टर विरोधी विक्रम मजीठिया बंद है। जेल से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, खराब सेहत का हवाला देकर राहत मांगी, लेकिन कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। पुलिस ने आनन फानन में कराया शवों का दाह संस्कार, बिहार में पारिवारिक कलह ने ली 5 जान, जहर से मां समेत 4 बच्चों की मौत। वर्षों से घने जंगल के बीच बसेरा, प्रशासन से बहिष्कार खत्म करने की गुहार। 17 साल पहले साड़ी का पल्लू उल्टा क्या लिया, पूरे परिवार को गाँव से निकाल दिया, जो हुआ उसे भूल नहीं सकते, 40 साल का सफर बेकार नहीं जाएगा। पुलिस ने आनन फानन में कराया शवों का दाह संस्कार, बिहार में पारिवारिक कलह ने ली 5 जान, जहर से मां समेत 4 बच्चों की मौत। चित्रकूट में ऊपर पहुंची युवती, पुलिस पर्यटक पीछे दौड़े पर रुकी नहीं, जलप्रपात से छलांग, तलाश जारी। डिप्टी CM का ज्ञान वापी, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश 8 सप्ताह लागू रहेगा। यह मामला जटिल और संवेदनशील है, जिला जज सुनवाई करे। कश्मीर, रात में इमरजेंसी टनल ढही, दिन में लैंडस्लाइड, 9 मजदूर फंसे। प्रदेश में 47.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान, आज से राहत मिलेगी। दोबारा शादी के बाद भी 18,000 महिलाएं ले रही थी विधवा पेंशन, सरकार ने काटी, अभी राशि रिकवर नहीं करेगा विभाग। यमुनानगर में केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय की टीम को फैक्ट्री मालिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। केंद्रीय टीम ने हंगामे के बीच 6 फैक्ट्रियों में की जाँच, मालिकों ने खाद का रिकॉर्ड नहीं दिया। व्यापारियों ने रोड जाम करने के लिए मजदूरों को उतारा। ऑफिस आने में असमर्थ व्यक्ति के पास पहुंचेगा HSVP, प्लाट खरीदकर व विक्रेता HSVP के नजदीकी ऑफिस में दे सकेंगे फिंगरप्रिंट। सोनिया से मिले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष व कार्यकारी अध्यक्ष। एक भवन में चलने वाली 1 से 12 तक के स्कूल होंगे मर्ज। सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स की NDA की आवेदन फीस भी देगी प्रदेश सरकार। बिजली निगम राय के कार्यालय की हालत खराब, SDO से लेकर तमाम बिजली कर्मी जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं काम, ध्यान नहीं दे रहे हैं अधिकारी। राजस्व 30 दिन में 29 करोड़ रुपए का, कार्यालय की जर्जर छत का गिर रहा लेंटर। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे हो रहे हैं फेल, कहीं फ्लाईओवर पर पड़ी लाइटें तो कहीं लटकी, बन रही ट्रैफिक समस्या। आज सुबह 9 बजे पैतृक गांव लाखन माजरा में होगा DSP का अंतिम संस्कार। DSP से SP बनने वाले थे राठी, कैंसर ने ली जान। चौपाल समिति का किराया नहीं देने पर नोटिस, अवैध ईंधन न जलाने का आह्वान। रोहतक में परशुराम जयंती कार्यक्रम को लेकर सोनीपत पहुंचे जय हिंद। गोपालपुर सरकारी स्कूल में चोरी और तोड़फोड़ की, मारुति के आने से कांग्रेस तिल मिलाए। नगर निगम की नई तैयारी, ट्रैफिक लाइट से स्विच हो, मोड़ होगा खत्म। एयरपोर्ट जा रहे विधानसभा स्पीकर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में सभी बाल बाल बचे।
रेवाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता आर्म्स लाइसेंस की मांग पर अड़ी, बोली लाइसेंस नहीं मिला तो धरने से नहीं उठेगी। करनाल में खालिस्तान को लेकर बढ़ने लगी गतिविधियां, खालिस्तान की पोस्ट का विरोध करने पर युवक को पीटा, वीडियो बनाई तो आरोपी फरार। आंध की गुरप्रीत अपनी गर्लफ्रेंड के बैंक खाते में डलवा चुका है 10 लाख रुपए, पुलिस ने आरोपी की गर्लफ्रेंड का बैंक खाता सीज करवा दिया है। 9वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, पीड़िता को 5 लाख मुआवजा राशि देने के भी दिए आदेश। सरपंच व पुलिस कर्मी पर पैसे लेने का आरोप, एसपी को दी शिकायत। गेहूं पर बोनस समेत अन्य मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे किसान ने किया प्रदर्शन। प्रदेश में अब किसानों को फसलों का मुआवजा ऑनलाइन दिया जाएगा, नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च, किसान स्वयं भर सकेंगे फसल नुकसान का ब्यौरा, 5 लैब में मिलेगा मुआवजा। 5 पेज का सुसाइड नोट लिख फंदे पर लटकी विवाहिता, मामला दर्ज। शिक्षक को दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर 25 लाख रुपए ऐठे, पूर्व सरपंच सहित 5 नामजद 2 गिरफ्तार। शिक्षिका पर पुलिस थाने में किए भद्दे कमेंट, कोर्ट के आदेश पर PSI समेत 3 पर केस। आरोप, पीड़िता के भाई को PSI ने कहा ज्यादा वकील मत बन, पुलिस को शिकायत की तो उल्टा धमकाया। खेल स्कूल के 50 साल के इतिहास में पहली बार होगा बड़ा महामुकाबला, CD व वीडियो लॉन्च की। खेल स्कूल राय में IPSC खेल स्पर्धा 23 मई से, 14 प्रदेशों से 27 स्कूलों के 1550 खिलाड़ी लेंगे भाग, 135 टीमों के बीच होगा मुकाबला, विदेश का भ्रमण करेंगे यहां के छात्र। बड़वासनी से पंकज की हत्या का मामला, फेफड़े लीवर आंतड़ियों में चाकू लगने से हुई पंकज की मौत। गन्नौर में 12 घंटे में अलग अलग जगह पर 4 लोगों की मौत, पुलिस जांच में जुटी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शवों को मृतकों के परिजनों को सुपुर्द किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने किया नई बिल्डिंग का निरीक्षण, जल्द कार्य करने के दिए निर्देश। महिला कॉलेज का 21 करोड़ रुपए से भवन तैयार, नए सत्र से यहां लगाई जाएंगी कक्षाएं। नए भवन में 21 क्लासरूम, 6 लैब और 12 स्टाफ रूम। कोरोना की वजह से 10 माह लेट हुआ प्रोजेक्ट। जापान में यूरोपीय पैमाने से मापी जाती है अंग्रेजी भाषा में निपुणता। सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे अंग्रेजी में पिछड़े, 50% से ज्यादा को बोलने में भी दिक्कत। स्विमिंग पूल बनाकर कर रहे कमाई, खेल विभाग में पंजीकरण नहीं, नोटिस दिए। पंजीकरण व नवीनीकरण नहीं कराने वाले 20 पूल संचालकों को भेजे नोटिस। स्थानीय निकाय नतीजे, रुझान में नए चेहरे आगे आ रहे, ओली को झटका। गृह जिले में हिंदूवादी पार्टी को मिली बढ़त। इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस पूर्ण रूप से AC स्कूल है। इसके सभी क्लासरूम, सभी लैब्स, ऑडिटोरियम एयर कंडीशन है। इसका परिसर 7 एकड़ हरी भरी भूमि पर बना हुआ है। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के ट्यूलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं, 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय। खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।